आजकल मार्केट में काफी सारे TWS ईयरबड्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं एंड इन मोस्ट ऑफ देम या तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अच्छे से काम नहीं करेगा या फिर लाइट वेट होने की वजह से जो बैटरी बैकअप है वो आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। कुछ लेटेस्ट फीचर लाइक ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर ट्रिपल माइक सिस्टम इनके अंदर मिसिंग रहता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कंफर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ईयरबड्स के साथ वो आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज के वीडियो में जिन ईयरबड्स का हम रिव्यू करने वाले हैं उनके अंदर ऐसे कोई डीमेरिट आपको देखने को नहीं मिलते। सो द प्रोडक्ट इज नॉइस बड्स सोलो T30 जिनका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो यहाँ पे नॉइस बड्स सोलो T30 का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। साइड पे लिखा हुआ है डिजाइन इन इंडिया, पीछे की साइड कुछ मेन हाईलाइट लाइक हाइब्रिड ANC ट्रिपल माइक सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी मोड, इन ईयर डिटेक्शन, 36 आवर का प्ले टाइम एंड एट लास्ट हाइपर सिंक, बाकी और बहुत कुछ है जो आपको अनबॉक्सिंग के बाद देखने को मिलेगा। सो स्टार्टिंग विद द अनबॉक्सिंग, ब्रांड सील ब्रेक करने के बाद कवर को रिमूव करते हैं एंड बॉक्स को ओपन करते हैं। वाओ, ब्लू स्टोन कलर की ये केसिंग मिलती है, इसको बाहर निकालता हूँ। इसके बाद बॉक्स के अंदर एक और पैकेजिंग है जिसके अंदर स्टोन ब्लू कलर के साथ डिफरेंट साइज के दो बड सेट मिल जाएंगे। इसके बाद USB to USB Type-C केबल, दैट मीन्स आपकी जो केसिंग है वो टाइप सी केबल को सपोर्ट करती है। इसके बाद नॉइज की तरफ से आपको एक कार्ड जिसपे लिखा है 200 rupees का ऑफ मिल जाएगा आपको नेक्स्ट नॉइज प्रोडक्ट पे अगर आप इस नॉइज के प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हो इस QR कोड से। तो अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ साइड करते हैं, लेट्स कम टू द प्रोडक्ट। सो केसिंग की बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम है। वैसे तो ओवरऑल बिल्ड प्लास्टिक का है लेकिन काफी ज्यादा रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी काफी ज्यादा क्लासी है, एकदम कर्वी टाइप आपको इसका डिजाइन मिलता है। जो ओपनिंग पार्ट है वहां पे आपको एक आउटलाइन मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ जो कि काफी ज्यादा कूल लगती है और जो ओपनिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है। नीचे की साइड पे आपको 4 बैटरी लेवल के इंडिकेटर मिल जाते हैं, USB Type-C पोर्ट एंड बैटरी लेवल इंडिकेटर को वेकअप करने के लिए एक की मिल जाती है। इस केसिंग में आपको 600 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है जो आपको 36 आवर का रेगुलर प्ले टाइम दे सकती है। फ्रंट पे नॉइज की ब्रांडिंग, रियर पे कुछ जनरल डिटेल लाइक इस केसिंग के साथ रिकमेंडेड है 5V 1A का चार्जर। केसिंग को ओपन करने के बाद आपको नॉइज बड सोलो मिल जाते हैं जिनके लुक्स काफी ज्यादा प्रीमियम एंड क्लासी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे आपको क्रोम फिनिश की आउटलाइन मिल जाती है नीचे और ऊपर की साइड जो इसके लुक्स को और ज्यादा एनहेंस कर देती है। अब अगर इनकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन सेंसर मिल जाते हैं ऑब्वियसली जो कि IR बेस्ड ही होते हैं, तो जैसे ही आप अपने कान में इनको लगाओगे म्यूजिक प्लेबैक स्टार्ट हो जाता है, हटाते ही पॉज हो जाता है। उसके बाद इन ईयरबड्स में आपको मिलता है ट्रिपल माइक सिस्टम, तो 3 माइक होते हैं विच इज इनर माइक, आउटर माइक एंड एक कॉलिंग माइक, तो जिसके साथ ऑटो नॉइस कैंसिलेशन और जो आपका ट्रांसपेरेंट मोड है वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटो नॉइस कैंसिलेशन में क्या होता है कि जो बाहर के वर्ल्ड में सराउंडिंग में जो भी नॉइज हो रही है वो आपको सुनाई नहीं देगी, इस तरीके से ये ट्वीक कर देता है सेटिंग्स को। और जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसके अंदर आपकी सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है उसके बारे में आपको पता चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो यूज़ आपको ड्राइव के टाइम पे इनको नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप करते हो तो आपको पीछे जो होंकिंग हो रही है या फिर सराउंडिंग में जो भी साउंड है वो आपको ईजिली ट्रांसपेरेंसी मोड में सुनाई देगी। और ट्रिपल माइक सिस्टम को और डीपली अगर एक्सप्लेन किया जाए सिंपल वर्ड्स में तो जो इनर माइक है वो एंटी नॉइस कैंसिलेशन करेगा, आउटर माइक आपका साउंड डिटेक्शन करेगा और जो थर्ड माइक है वो कॉलिंग के लिए यूज होगा जिसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा रिच हो जाता है। और इन ईयरबड्स के साथ 35 डेसिबल्स तक का नॉइज रिडक्शन पॉसिबल है, दैट मींस जो आपको ऑडियो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ज्यादा क्रिस्पर होगी और नॉइज बिल्कुल ना के बराबर होगी, दैट मींस आपको नॉइज तो एक्सपीरियंस होनी ही नहीं है। अब नॉइज बड्स सोलो को अपने फोन के साथ पेयर करते हैं विच इज प्रीटी सिंपल। जो आपको नीचे वेकअप की मिली है इसको कंटिन्यूअसली अराउंड 6 सेकंड के लिए आपने प्रेस करे रखना है, जिसके बाद आपके जो LED इंडिकेटर है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगे। दैट मींस ये पेयरिंग मोड में है और इसी को ये हाइपर सिंक बोलते हैं, जिसके साथ दोनों ईयरबड्स एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी। सिंपली आपने ब्लूटूथ ओपन करना है अपने फोन का एंड डायरेक्टली यहाँ पे आपको बड्स सोलो डिवाइस दिख जाएंगे। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे आपकी जो बड्स हैं वो फोन के साथ इजिली पेयर हो जाएंगी। नॉइस बड्स सोलो का जो कम्फर्ट लेवल है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा लाइट वेट होने के साथ साथ जो इनका डिजाइन है वो आपकी ईयर प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा जबरदस्त है। 3 डिफरेंट साइज के आपको यहाँ पे बड्स मिल जाते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करने वाले हो। मैं सबसे जो स्मॉलर आते हैं वो यूज करता हूँ
और ये हद से ज्यादा कंफर्टेबल है। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो Noise Buds Solo का जस्ट एक ओवरव्यू था। अब आते हैं कि क्या आप डेली लाइफ में फीचर्स इन ईयरबड्स के यूज करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आते हैं ब्लूटूथ 5.0 के साथ 600 मिली एम्पायर की आपको केसिंग मिल जाती है। दैट मीन्स 36 आवर का रेगुलर प्ले टाइम, 2 आवर के अंदर ये कम्प्लीटली 0 to 100% पे चार्ज हो जाती है। 1 ईयर की आपको नॉइज की वारंटी मिल जाती है, मतलब काफ़ी अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, और अगर कोई इंटरप्शन आता भी है तो नॉइज़ की सर्विस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब जो क्वालिटी है इन ईयरबड्स की वो लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप गेमिंग भी करते हो तो आपको लेटेंसी ना के बराबर मिलती है। अक्सर जो आप अदर ईयरबड्स में देखते हो, जैसे कि आप फायर करते हो किसी गेम में और आवाज़ आपको थोड़ी देर बाद आती है, तो इन ईयरबड्स के साथ ऐसा नहीं है। अब अगर बात करें कंट्रोल्स की तो स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने शेयर किया है, आप पॉज करके देख सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज कि दोनों ईयरबड्स पे अलग अलग एक्शन है, इन ईयर डिटेक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से काम करता है। वही बात करें ऑटो नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर हाइपर सिंक की, तो इन ईयरबड्स के साथ हर फीचर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब अगर 100% वॉल्यूम एक्सपीरियंस पे आए तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अमेजिंग है, काफी लाउडर, काफी क्रिस्पर, कोई नॉइज या डिस्टोर्शन आपको नॉइज के बड्स सोलो पे सुनने को नहीं मिलती। तो नॉइज के बड्स सोलो को जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट बेसिक मोड के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर आप ANC मोड में एंटर करना चाहते हो तो जस्ट आपने राइट साइड वाली ईयरबड को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है और ये डायरेक्टली ANC मोड के अंदर एंटर कर जाएगी और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ ANC मोड के अंदर आपको 25 आवर का कंटिन्यूअस बैटरी बैकअप मिल जाता है। अब अगर ANC मोड के साथ आप ट्रांसपेरेंसी मोड में जाना चाहते हो तो अगेन आपने राइट साइड वाली ईयरबड को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है एंड आप ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर जाओगे। एंड लिटरली इन ईयरबड्स के साथ जो आपको हाइब्रिड ऑटो नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है वो बहुत अमेजिंगली काम करता है। मैं अभी खुद एक्सपीरियंस कर रहा था वीडियो बनाते हुए कि वो चीज़ आपको लिटरली फील होती है कि जो सराउंडिंग की नॉइज़ है वो सब खत्म हो जाती है, और उसके बाद जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड में जाते हो और आप किससे बात कर रहे हो, सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है तो वो आपको बड़ा क्लियर सुनता है। और बेसिक मोड जस्ट एक सिंपल मोड है जिस तरीके से आप अपनी ईयरफोन्स या कोई बेसिक हेडफोन्स यूज़ करते हो। तो नॉइज़ की ये ईयरबड्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लॉन्ग टाइम में यूज़ करोगे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कलर्स के शौकीन हो तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मेरे पास स्टोन ब्लू कलर है, बाकी चारकोल ब्लैक, इक्रू गोल्ड या फिर सेक ग्रीन का ऑप्शन भी आपको इनके अंदर मिल जाता है। अब अगर Noise Buds Solo की प्राइसिंग की बात करें तो 4999 की प्राइसिंग पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप एक ट्रू म्यूजिक लवर हो और आपको सही में ऑटो नॉइस कैंसिलेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड एक्सपीरियंस करना है, देन दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। लेकिन इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी, सजेशन या कुछ भी है तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, जाके फॉलो करो और लेटेस्ट पोस्ट पे कमेंट कर डालो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।